सब विदेशी ताकतें आ गई, विदेशी ताकतें देश पे हावी है, पैसे से सरकार बदल देगी। तो भाई जब सब कुछ विदेशी ताकतें हैं, पैसा सब बदल देंगी, तो आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? आप कमजोर हैं, तो विचित्र स्टाइल में डिबेट करते हैं। जितना आपका जवान नहीं हिलती, उससे ज्यादा शरीर हिलता है। गजब बेइज्जती है। आप फिर हाथ रखिए, आंख बंद करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आज की भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों का सरकार कौन है? बताइए किसका चेहरा सामने आ रहा है? अखिलेश यादव का। बट एक तरफ ही दूसरे धमकी भी दे रहे हैं हमें कि करना जरूरी है, तो ये करना क्या चाहते हैं? मतलब धमका रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं? ये खुद कंफ्यूज इस बात और अच्छा अपने समाज में जो फैला हुआ कंफ्यूजन है वो दूर क्यों नहीं हो रहा है इनसे? हर तरह के कोई भी काम हो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं इनके खुद की कम्युनिटी। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। आगे 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 पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलो। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा पता है, कंफर्म। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ऑडियंस अनुराग भदौरिया से सवाल कर रहे थे, तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे सवाल ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगता था और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इस डिबेट में अच्छे से धोया है। और इसी के साथ अनुराग भदौरिया सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा था सवाल के जवाब देने के बजाय, और अपना फालतू को बोलने के चक्कर में अपना बोलने के लिए किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। आप बताइए अमित से भाई, ईमानदारी मैं आपसे आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूँ। आप फिर हाथ रखिए, आंख बंद करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आज की भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों का सरकार कौन है? बताइए किसका चेहरा सामने आ रहा है? अखिलेश यादव का। मैंने कहा था आंख बंद करो और आंख बंद करके चेहरे बताओ किसका आता है। मैंने आंख बंद करी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? अखिलेश यादव। फिर आंख बंद करी, सबसे बड़ा तुष्टीकरण करने वाला सांप्रदायिक नेता कौन? फिर से यादव परिवार के नेता और अखिलेश यादव। सबसे बड़ा वंशवादी कौन है? वो भी अखिलेश यादव। और आज बंद करी, 200 रुपए की चोटी किसने चुराई बदले से? सरकारी। वो भी अखिलेश यादव। अरे आज बंद जनता ने नहीं करी है, जनता की आंखें खुली है और सीट आई थी 3 लोकसभा में। देश के अंदर में राजनीति में रिटायरमेंट की तो कोई एज है ही नहीं। आप रिटायरमेंट की कोई एज अभी तक तो राजनीति में संवैधानिक रूप से नहीं है। जब राजनीति में तो रिटायरमेंट की एज ही नहीं होती, तो मुलायम सिंह यादव क्यों रिटायर होकर अखिलेश जी को सीएम बना के बनाया, उन्होंने क्यों बनाया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी के नेताओं में सहमति बनी, इवन नेताजी ने भी सहमति बनाई कि नहीं, इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है। 37 वर्ष के अखिलेश यादव जी में ऐसा क्या देखा जो जिंदगी में कभी मंत्री तक नहीं बने थे? कि शिवपाल जी को छोड़िए, प्रोफेसर रामगोपाल से अधिक योग्यता दिखी किसी ने? तो स्वयं मुलायम सिंह जी के परिवार के हैं। कौन सी ऐसी चीज दिख गई भाई सपा के नेताओं को कि प्रोफेसर रामगोपाल जी जो इतने पढ़े लिखे वरिष्ठ और इतने समझदार व्यक्ति हैं, रणनीतिकार, उनसे ज्यादा योग्यता दिखी? और क्या पार्टी के नेताओं की समझ जनता की समझ के साथ थी? तो इसका जवाब मिला 2012 में, अखिलेश जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, मुलायम सिंह जी के नाम पे मिला था। सबसे ज्यादा सीटें मिली सपा को अपने इतिहास की, और 2017 में सबसे कम सीटें मिली अपने इतिहास की। मैं अपने प्रिय पैनलिस्ट मौलाना जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तरफ कौन से वाले, तीन बीच वाले, आसादी जी, मौलाना कह रहे हैं कि जो क्लासरूम में हमें हिजाब वगैरह पहनना है वो हमारे इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट एक तरफ ही दूसरे तरफ धमकी भी दे रहे हैं हमें कि करना जरूरी है, तो ये करना क्या चाहते हैं? मतलब धमका रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं? ये खुद कंफ्यूज है इस बात और अच्छा एक मेरा मौलाना जी से ये सवाल है। कौन से वाले से, तीन वाले। अच्छा आसादी जी बीच वाले से। आपसे देखिए, आपसे बहुत प्रेम है आसादी जी, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा सवाल आपसे है, अपने समाज में जो फैला हुआ कंफ्यूजन है वो दूर क्यों नहीं हो रहा है इनसे? हर तरह के कोई भी काम हो वो कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं इनके खुद की कम्युनिटी। और जिस तरह की बातें भी सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष में बैठे बेचारे असहाय हैं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सब विदेशी ताकतें आ गई, विदेशी ताकतें देश पे हावी है, पैसे से सरकार बदल देगी। तो भाई जब सब कुछ विदेशी ताकतें हैं, पैसा सब बदल देंगी, तो आपके यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? सरकार क्या कर रही है भाई? आप सिंपैथी लूटना चाहते हैं या हकीकत में बात कर रहे हैं? और हकीकत में कह रहे हैं तो आपकी आपकी जो एफिशिएंसी उस पे शक हो रहा है, इसके मतलब आप कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। तो विचित्र स्टाइल में डिबेट करते हैं। जितना आपका जवान नहीं हिलती, उससे ज्यादा शरीर हिलता है। गजब बेइज्जती है। देखिए हमने ये नहीं कहा हमारी सरकार कमजोर है, हमारी सरकार हर चीज पर, हर चीज का लीगल नहीं मॉरल जवाब भी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी जी कई बयान खोद के जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा? आज तक कांग्रेस के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ या उनका ऐसा नेता नहीं हुआ जिसको जाके उन्होंने कोर्ट किया हो पाकिस्तान। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान, और ये कह रहे हैं आप हटाइए मोदी जी को, शर्मा जी चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, नरसिम्हा राव के जमाने में। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैंने मैंने जय बरनाधम तेली कुमार आई है, ये जो बरना बरनाधम जो नीच है, तेली और कुमार को नीच कहा है, ये आपका नहीं 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 उसका मतलब नहीं। आगे क्या है, उन्होंने कहा भाई आगे आगे पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ, क्या आप बोलिए, आप बोलो ना, नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे लाइन क्या है। उन्होंने कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नाची मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तक ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं। आगे पूरा पता है, कंफर्म कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जाते समझ में, 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया, सपा माते ही समझ में आ गया। पहला तो इसका कारण बहुत साफ है, और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे दलित ब्राह्मण वंश था, आदि नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता, जैसे इनके साथ आते सारा ज्ञान के बिल्कुल नहीं लगते।
अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा झूठा बक्कार फरेबी है, कट्टर बेईमान, कहता था बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गया। उसने कहा पत्नी की कसम खाता हूँ कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, आ गया। शपथ पत्र दिया बंगला बड़ा नहीं लूंगा, शीश महल का घोटाला कर दिया। मेरी गाड़ी बड़ी नहीं होगी, वैगन आर को छोड़ के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, कहता था ज्यादा सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। ऐश्वर्य जी ये बताइए, इतना बड़ा ठग्गू मल, जनता लात नहीं मारेगी तो कौन क्या करेगी? और बताया ये जाता है, अंत करूंगा इस बात पे, अरविंद केजरीवाल घर से बाहर निकलते हैं भ्रष्टाचारी शीश महल से, तो एकदम से वापस दौड़ के जाते हैं, कहते हैं परिवार वालों से अरे बारिश हो रही है, तो उनके बच्चे कहते हैं बारिश नहीं हो रही पापा, लोग थूक रहे हैं आप पे, ये हालत है अरविंद केजरीवाल। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिरों मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है, 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिरों मस्जिद हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए राजनीतिक विषय भी नहीं है, चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम दो सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे, 303 सीटों के साथ भी उसके साथ। अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिरों मस्जिद के नाम पर, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मानवर, गोले मंदिरों मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबरा भी बढ़ती जा रही है, जैसे आप याद करिए हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है, पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ नासा की पिक्चर में दिखी 96 में, राम से तो नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा 87 में। अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है, ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आपने बहुत सुना होगा, अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाली होगा, बस ये डर है इनको। जवान भाई यहाँ पे बड़े हिंदू हितैषी बैठे हुए हैं, मेरे को इनको देख के बड़ी तरस आ रही है, दया भी आ रही है और इनके ऊपर कि मतलब 3-13 में वो आके मेरे को हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे हैं। हिंदुत्व का ज्ञान देने से भाई पहले आ जाओ ना इधर इस पाले में आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ तो तुम्हारा गला काट देंगे, मैं कहता हूँ आ जाओ यहाँ तिलक लगा के स्वागत कर देंगे, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे चेहरा चमकाने के लिए दानवी वृत्ति दिखाएंगे। तो नहीं पढ़े लिखे हो ना, गीता में क्या बोला है भगवान कृष्ण ने, अगर कुछ है पता तो बता दो। आज उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम हिंदुत्व में आ जाओ, तो सुनो तुमसे ये किसने बोल दिया कि मैं हिंदुत्व में नहीं हूँ, तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री राम नहीं बोलता, अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री कृष्णा नहीं बोलता, कौन हो मुझे जानते हो, तुम चीज क्या हो बेटा, अरे मैं तो हिंदू हूँ, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू में आऊंगा क्या, दो टके की पार्टी है इनकी, मैं दो टके की पार्टी, ये तुम्हारी औकात है औकात, ये देख गीता, ओ ओ जय, ये देख गीता, ओ जय, ये देख गीता, ओ जय, ये देख गीता। सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता, हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल किया। ऐसी बात करते आप, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए लेकिन साफ नियत से लाइए, एक कुटिलता अगर मगर लेकिन बटे किंतु बंतु तुरंतु हटकाना भटकाना मगर मटकाना ये सब छोड़ दीजिए, मटकाना मटकाना क्या होगा, बताना चाहता हूं औरंगजेब का चैप्टर किसे रखे, खिचड़ी का चैप्टर किसे रखे, बोलिए, और डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति गोदी का समर्थन किए थे, ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग जो आके आप बताते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान को ये नहीं करे, अरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 50 साल क्यों नहीं दिया, बोलिए, इसीलिए मैं पूछा जाता हूँ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के लिए शहीद होने वाले पहले कलेक्टर वार्ड में, मैंने बार बार पूछा अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेक्टर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेक्टर नेता बताइए, अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाज़े में गया हुआ एक सेक्टर नेता बताइए। अनुराग भदौरिया हर डिबेट में अपना उठपटांग ज्ञान की वजह से हमेशा सुनता है, कभी पैनलिस्टों से तो कभी ऑडियंस से, और ऑडियंस से जब भी इनका सामना होता है और ऑडियंस जब इसे सवाल करे तो इसका ऐसे ही बौखला जाता है सवाल सुनकर, और हमेशा से इसका आदत रहा है कि ये सवाल का जवाब देने के बजाय नाटक ज्यादा करता है सवाल का जवाब देने की जगह पर, इस वजह से हर जगह से इसे सुनना ही पड़ता है, लेकिन ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कोई अब इसे कुछ भी बोल दे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। खैर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।